अरे ये क्या, आपको 7 बजे तक रहने के लिए कहा था ना, इतनी जल्दी क्यों आ गए? मेरे बैठने की जगह पर स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है सर, वैसे भी वहाँ कोई खास काम नहीं है तो मैं वहाँ बैठकर क्या करूँ? आप जाकर रिपेयर करा सकते हैं ना? वो हमारा काम नहीं है सर। भले ही वो अपना काम ना हो, वक्त आने पर करना पड़ता है, जाकर उस लाइट को रेडी करवाइए। भाई संभल के, संभल के, संभल के चढ़ो, धीरे धीरे धीरे, हाँ रुको, अरे रुको रुको रुको, स्विच ऑफ करो भैया, अब चेक करो, धीरे धीरे धीरे, संभल के संभल के, ऑन करो ऑन करो, वेरी गुड। अरे ये तो लाइट शुरू हो गया। क्या हो रहा है? देखिए ना सर, हमने 4 ग्लास जूस पिए और इनको 500 दिए, बाकी के पैसे वापस मांगे तो बोल रहे नहीं दिए। नहीं दिया है सर। अरे अभी दिए ना सर, 4 ग्लास पीकर 500 दिए, ये झूठ बोल रहा है सर। अरे इसमें जितने भी नोटे वो आपके हैं क्या? आप सब स्टूडेंट्स हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। फ्रेंड सोना? हाँ सर। हाँ सर। पैसा किसने दिया? मैंने दिया। आराम साधो, पैसे दिए होते तो एक ही हाथ उठाता। मैंने दिए, मैंने दिए कहकर झूठ बोल रहे हो। चलो दो उसका पैसा वापस, चलो दो जल्दी। ये हरकत दोबारा की तो चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। स्टूडेंट्स हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, फिर से यहाँ दिखाई मत देना। जाओ यहाँ से, याद रखना पुलिस है यहाँ। बैंगन कितने के दिए? 10 रुपए किलो। 10 रुपए क्यों, 8 रुपए के दे दो। नहीं चाहिए तो जाओ यहाँ से। अरे ये कौन है मालूम? नासिर भाई की बीवी है। नासिर साहब की बीवी है। एक मिनट, ये ले लो। इतना? और आप ये भी ले लो, और ये भी रख लीजिए। इसके पैसे कितने दूँ? पूरा मिला के 20 रुपए हो गया। इतना सब कुछ सिर्फ 20 रुपए? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीर भाई के लिए भेजा ले जाओ। शुक्रिया। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए जी, इतनी देर क्यों लगा दी? हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं आप। चलिए खाना खा लीजिए, खाइए जी, सब आपकी पसंद का ही बनाया है। इकबाल, अरे इकबाल, अरे इकबाल। कौन है? अंकल, इकबाल घर पे नहीं है क्या? नहीं बेटा, जॉगिंग के लिए गया है। आओ अंदर, आओ अंदर, आकर बैठो। कोई बात नहीं अंकल, मैं यहीं पे वेट कर लूंगा। अच्छा ओके। क्या पुलिस बनने के लिए 3 साल से ट्राई कर रहे हैं? ऐसा भी क्या है उसमें? वो देखो आ रहा है वो, उसी से पूछ लो। हाय गाइस। हाय। वाओ, नई गाड़ी ली है? हाँ यार, रात से इसी गाड़ी में बैठ के चक्कर लगा रहे हैं। किसने? तुम्हारे डैड ने दिलवाई है। डैडी क्यों दिलवाएंगे यार, मैंने अपनी सैलरी से खुद खरीदी है। हाय आंटी। हाय बेटा। हाय आंटी। हाय आंटी। हाय। हाय आंटी। सारे दोस्त एक साथ आ गए। टीवी ऑन कर यार। औरतों पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। कल हाईवे के पास वाले जंगल में एक अज्ञात लाश बरामद हुई है। उस औरत का बलात्कार करके बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल करके जंगल में फेंक दिया गया है। इस घटना से संबंधित डिटेल्स हमारे रिपोर्टर हरि प्रसाद बताएंगे। हाँ सुमन, जब इस घटना की कंप्लेंट लेकर उसके पिता पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस वालों ने FIR करने की बात तो दूर, उनकी बातें भी सुनने को तैयार नहीं हुए। FIR क्यों रजिस्टर नहीं किया गया? मतलब उस लड़की की मौत बेशक पुलिस वालों की लापरवाही। दे तो। जी सुमन। अब देख रहे हो पुलिस कैसा काम कर रही है, पैसे वाले और पॉलिटिशियंस के अलावा आम जनता का काम ही नहीं करना। अरे उनसे इकबाल का क्या संबंध है यार? सभी यही सोचकर पुलिस बनते हैं, लेकिन बनने के बाद किसी एक ने भी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई है?
जनता की सेवा नहीं करेगा तो भी चलेगा, पर फैमिली को तो संभालेगा ना। अगर तू पुलिस बनने की ख्वाहिश छोड़ दे तो मेरी कंपनी में ही मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा। ओके यार, मेरे लिए कोई जॉब देखो। अरे तुम इसकी बातों में आकर बेकार के फैसले क्या मत लो। बोल रही है? उसने कहा इसलिए नहीं यार, मैं भी अपनी फैमिली के बारे में बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। तुम अपना फैसला मत बदलना, मैं तुम्हें एक ही हफ्ते में जॉब दिलवा दूंगा। बाय इकबाल। बाय। चल ये क्या बेटा, तुमने क्या कह दिया? तुम इंस्पेक्टर बन जाओ, यही तो हमारा सपना है। डाडा भवलदार थे शायद, इसीलिए मुझे इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं। मैं भी अभी तक सिर्फ आप ही के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं पुलिस वाला नहीं बनना चाहता। मैंने एक इंस्पेक्टर के साथ काम किया, बस तभी से मैंने जाना कि पुलिस बनकर क्या हासिल किया जा सकता है। उन्हें देखने के बाद ही मैंने ठान लिया कि मैं अपने बेटे को इंस्पेक्टर बनाऊंगा। कौन है वो और क्या हासिल किया उन्होंने? बेटा, जिंदगी में कुछ हासिल करने वालों का एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लक्ष्य हासिल करना भी कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन उस लक्ष्य के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है ना, वो चमत्कार है। ऐसे चमत्कार बहुत किए हैं उन्होंने। इतने महान है तो क्या किया उन्होंने? उनके बारे में बताऊंगा तो एक कहानी लगेगी। अच्छा है उनके साथ काम करने वालों से पूछो, पुलिस की जिंदगी तुम्हें समझ में आ जाएगी। पुलिस की जिंदगी को पूरी तरह समझने के बाद तुम्हें पुलिस बनना है या नहीं, ये फैसला लेना बेटा। ठीक है डैड, उनके बारे में जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? बेटा, उनकी पहली पोस्टिंग विशाखापट्टनम में हुई थी। तुम उस शहर में जाओ, वहां सिम्हाचलम नाम के हवलदार से मिलो। कितने हुए? सर 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 नमस्ते सर, यहां पर सिम्हाचलम जी। मैं ही सिम्हाचलम हूं, क्या चाहिए? सर, मैं हैदराबाद से आया हूं। मेरा नाम इकबाल है, रिटायर्ड कांस्टेबल नसीरुद्दीन का बेटा हूं। उन्होंने बताया था तुम आने वाले हो, क्या बात है बताओ। बहुत साल पहले इस पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ड्यूटी करते थे ना, आपको तो पता ही होगा। उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ, ड्यूटी के पहले ही दिन गन का इस्तेमाल किया था उन्होंने। चोर पुलिस के लिए क्या? मैं चोर बनूंगा, मैं चोर बनूंगा, मैं चोर बनूंगा, मैं चोर। अरे अरे रुको यार, सब चोर बनेंगे तो पुलिस कौन बनेगा? मैं पुलिस नहीं बनूंगा, मैं पुलिस नहीं बनूंगा। अरे तू बनेगा पुलिस। यूनिफॉर्म पहनकर वो लोग क्या करते हैं? ये कैप पहनने वाला कोई काम करता है क्या? ठीक है, जाकर छुप जाओ। ए भागो भागो चलो, ए भागो भागो चलो, चलो भागो, छुप जाओ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। चोर अपने बिल में छुपे रहना चुपचाप, पुलिस शिकार पर निकला है। सर, गुड मॉर्निंग। सीआई कहां पर है? वहां पर है सर। अर्जुन सिंह रिपोर्टिंग सर। ज्यादा फिल्में देखते हो क्या? इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सैल्यूट की तरह सैल्यूट करो। नींद से जगा दिया। पहली पोस्टिंग है क्या? वहां जाकर फॉर्मेलिटीज पूरा करो। राइटर जी, जरा देख लीजिए। ओके सर। क्या यार, काम पर लगा दिया। ए सुनो, इधर आओ। मंदिर में चोरी करने वाले खतरनाक चोर
पुराने बंगले में छिपे हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन है। तुम तीनों साथ चलोगे? ठीक है सर। क्यों अर्जुन, साथ चलोगे तुम? चलूंगा सर। अच्छा अर्जुन, तुम्हें गन तो चलानी आती होगी। शूटिंग करने में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर। अरे उसे भूल जाओ, हम लोग ओलंपिक्स में नहीं जा रहे हैं, ये शातिर चोर हैं। इसे अपने पास रखना लेकिन चलाना नहीं। सर हाँ, मुझे डाउट है सर। क्या है? हम किसी को पकड़ने जाते हैं तो इस तरह से सायरन क्यों बजाते हैं सर? जब हॉर्न बजाने से लोग रास्ता ना छोड़ें तभी सायरन बजाते हैं। ऐसे सायरन बजाते हुए जाएंगे तो चोर भाग जाएंगे ना सर? कितने भी लोग भागें परवाह नहीं है, लेकिन एक मासूम इंसान चोर नहीं बनना चाहिए, यही पॉलिसी है। सर एक बात बतानी है सर। हाँ। हमारा सायरन मस्त काम कर रहा है सर। कैसे? देखिए चोर किस तरह से भाग रहे हैं। अरे चोर भाग रहे हैं, बात क्या कर रहे हो? जाओ, अरे घड़ी रो। एक गोल्ड मेडल, तेज दौड़। भगवान के हुंडी के पैसे हमारे हुंडी में आ गए हैं सर, इसे अंदर रख दीजिए सर। ठीक है लो। साहब जी, नमस्कार साहब जी। पंडित जी आशीर्वाद दीजिए, मंदिर का सामान मिल गया है, जरा देख लीजिए। देखिए सब बराबर है कि नहीं। इन चोरों ने मन्नत मांगी थी, इनका काम सही से हो जाए तो हुंडी में 10,000 डालेंगे। सब कुछ सही है ना, जरा देखिए। सब कुछ तो सही है पर हुंडी का पैसा। अरे हम लोग क्या करेंगे उसका? जो भी पैसा मिला है ना वो भी हुंडी का ही है, लेकिन किसी और मंदिर का। अब हमें ये पता लगाना है कि इस घोटाले में कहीं आपका हाथ तो नहीं है। मजाक कर। हे भगवान, हे भगवान। ये गहने ले जाइए, नहीं तो कोई और ले जाएगा। हम यहाँ ज्यादा देर रख नहीं सकते, उठाइए ले जाइए। और भी पैसा मिलेगा मुझे, जल्दी से रख लेता हूँ। ये लीजिए नेकलेस। नमस्कार साहब। हाँ जाइए। अच्छा सुनो, जरा यहाँ आना। मदद करने एक नहीं आता, पैसा लेने सब आ जाते हैं। ये तुम्हारे लिए, और तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे, ये लो। थैंक यू सर। ये तुम्हारे लिए, और भैया ओलंपिक्स ज्वाइनिंग के दिन ही जैकपॉट, क्या किस्मत पाई है, ये लो। नहीं चाहिए सर। नहीं चाहिए? अरे ये मेरा नहीं, तुम्हारी मेहनत का पैसा, ये लो।
मेरी मेहनत की सैलरी मुझे गवर्नमेंट देती है सर। अरे बाप रे, ये तुम्हारा बोनस है, पार्टी कर लेना। पार्टी मनाने जैसा मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया सर, सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। ये पैसे लेकर मैं ड्यूटी के साथ अन्याय नहीं कर सकता सर। ये क्या बोल रहे हो तुम, मतलब हम लोग रिश्वत खोर हैं और तुम अकेले देश में ईमानदार हो? हाँ, ये लो। बेटा ज्यादा अकड़ दिखाई ना, अपने सीनियर की बात माननी होगी। सर, 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 बैठिए सर, बैठ जाइए सर। अभी नया लड़का है, गरम खून है सर, ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होकर हमारे साथ मिल जाएंगे ना सर। चलिए ले, और उसके हाथ में थमा दे पैसे। ठीक है सर, लीजिए सर, बिना कुछ कहे ले लीजिए सर, लीजिए ना, जाइए सर, मैं बात कर लूंगा, आप जाइए ना सर। सर सर, गुस्सा मत कीजिए, नया लड़का है ना। गोल्ड मेडल जीतने वालों की यही प्रॉब्लम होती है। अब क्यों सर इतना गुस्सा कर रहे हैं, नए नए में हर ऑफिसर ऐसा ही होता है, आपको तो सब कुछ पता है ना सर। सीनियर्स के साथ कैसे रहना है समझा दो उसे। Congratulations. हमारे डिपार्टमेंट में भी काबिल ऑफिसर हैं, ये तुमने साबित कर दिया। तुम बहुत ही किस्मत वाले हो, पता है? वो कैसे सर? जो मौका मुझे वर्दी पहनने के 10 साल बाद मिला था, वो तुम्हें वर्दी पहनते ही मिल रहा है। वो क्या है सर? एनकाउंटर। उसके रास्ते में ले जाते वक्त एनकाउंटर कर दो। इन मंत्रियों से बड़े बड़े लोगों से हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। ऐसे हथियारों को कोर्ट या जेल में नहीं, इस जमीन की मिट्टी में ही मिला देना चाहिए। सर क्या मैं इसका? इन्हीं हरकतों से ही तुम अब तक नाकाम रहे हो। तूने पकड़ा है उसको? जिसने पकड़ा है उसी को इनकाउंटर करने का मौका मिलेगा। तुम जाकर कोर्ट के कागजात संभालो, जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। उसे खत्म कर दो। एक ये गोल्ड मेडल है, एक फालतू मेडल है, बस एक मौका मिल जाए। सर रास्ता क्यों बदल दिया? सिम्हाचलम जी। सर हमारी गन्स काम करती हैं क्या? मौका मिलेगा तभी पता चलेगा ना सर। तो गन काम करती है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? एक बार इस्तेमाल करके देखिए, पता चल जाएगा। अरे सुनो बाबू, वो राइट साइड वाली चाय की दुकान पे रोकना। आनीजे, चाय पीते हैं। सर ये दुकान बहुत डेंजर लग रही है। लो चाय पी लो। मैं नहीं पीऊंगा सर। चाय की दुकान देकर चाय पीने का मन नहीं हो रहा है क्या? मुझे नहीं चाहिए। चाय पसंद नहीं है क्या? अच्छा तो तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सर आखिरी ख्वाहिश क्यों पूछ रहे हैं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? अरे कोई बात नहीं, बताना। सर मुझे कोर्ट में पेश कर दीजिए, मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है। बहुत चालाक है ये, इसीलिए तो सर आसानी से मिल गया है। क्यों बे गोल्ड मेडल, तेरी वजह से नौकरी जाएगी हमारी। मैंने वर्दी कानून के हिसाब से काम करने के लिए पहनी है, किसी और के इशारों पर नाचने के लिए नहीं। इतनी गर्मी, क्या कर दिया तुमने? किससे पूछकर सबमिट किया कोर्ट में? आपके बोलने पर नहीं पकड़ा था सर, आपके बोलने से खत्म करने के लिए एज पर द रूल फॉलो किया है बस। रूल्स क्या है, मैंने कहा था ना तुम्हें। नथिंग इज गिवन ऑन पेपर सर, कोर्ट में सबमिट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ये कैसी बदतमीजी कर रहे हो, सब लिख कर दूं क्या तुम्हें?
इतनी अकड़ मुझे मत दिखा, यहाँ तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। सर 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 बैठिए सर, प्लीज सर बैठिए ना प्लीज। अरे सर नया लड़का है, जोश में रहता है, गोल्ड मेडल भैया, जरा बाहर जाना। अरे घूर क्या रहे हैं, जाइए। सर आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, हीरो बनने का शौक है इसे, आप देखिए इसे कैसे होश में लाता हूँ। सर जी मैंने उस दिन कहा था अगर आप मुझे एनकाउंटर करने देते तो आज आपको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। फालतू की बकवास मत कर, वैसे ही मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूँ। सॉरी सर। कुछ साल पहले नक्सलवादियों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था ना, वो कौन सा स्टेशन था? काली पहाड़ी सर। वहाँ का इंस्पेक्टर कौन है? अरे कोई नहीं है सर, जिसे वहाँ भेजो छुट्टी लेकर चला जाता है, किसी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ तो इसे ही ट्रांसफर कर दूंगा। यहाँ जर्नलिस्ट शिवा कौन है? वहाँ देखिए, वहाँ जो टाइम पास कर रहा है ना उसी से पूछिए। उससे संभल कर रहना, दो बियर पी लेगा। यहाँ पर शिवा कौन है? शिवा इस पूरे इलाके में जर्नलिस्ट सिर्फ अकेला मैं हूँ, मैं वही हूँ जर्नलिस्ट शंकर। सॉरी कौन है ये? हेलो हेलो, आखिर कौन चाहिए आपको? मैं एक इम्पोर्टेंट काम से आया हूँ, पर ये काम आपके बस का नहीं है। इस जंगल में कोई भी चिड़िया अंडा देती है तो सबसे पहले मुझे पता चलता है, आखिर आपको क्या चाहिए बताइए। बीबीसी के लिए एक इंटरव्यू लेने के लिए नक्सलवादियों से मिलने आया हूँ, पता चला कि जर्नलिस्ट शिवा के जरिए उन तक पहुँच सकता हूँ, सब कुछ रेडी करके लाया हूँ मैं। लगता है बहुत माल लेकर आया है। देखिए किसी ने आपको शंकर की बजाय शिवा बताया होगा, आपको मेरा ही इंतजार है। वो आप ये कैसे भरोसा करूं? आपको भैया लोग के पास ले जाकर इंटरव्यू दिलवा कर सेफ्टी से ले आता हूं, बाद में ही फॉर्मेलिटीज के बारे में बात करते हैं। आइए आप मेरे साथ आइए, आइए ना सोचिए मत, आइए। उस तरफ आगे आगे जा रहा है, मेरे पीछे ये नहीं महस के पीछे जा रहा हूं ऐसा लग रहा है। बाप रे ओवरटेक करना होगा। एक दो तीन चार पांच, वेरी गुड। इस तरफ। शंकर भैया जयराम जी की। जयराम जी की। बात है शंकर भैया, आजकल दिखाई नहीं देते हो। अरे का भैया ऐसा, शंकर भैया हमारी जरूरत पर ना आवत है, खाली अपन जरूरत पर आवत है। क्या भैया काहे कुछ भी कह जाते। अच्छा ये कौन है? भैया ये हमारे बहुत ही इसका नाम अर्जुन है। अर्जुन? कौन अर्जुन? महाभारत वाला अर्जुन? अर्जुन सिंह राठौड़, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, काली पहाड़ी पुलिस स्टेशन। तुम्हारी इतना हिम्मत, हमारे सामने आकर पुलिस बोल रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होते ही हिम्मत अपने आप आ जाती है। आज इनको जाने नहीं देंगे। ठीक है ना? पहले एक हाथ पकड़ो। अरे भैया क्या कर रहे हो? मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्यों शांति से बैठकर बात नहीं कर सकते हैं क्या? अरे बोलवा, बंदूक नीचे करा। अरे कहा ना बंदूक नीचे, बोलो क्या बात करना है? आप और हम कोई दुश्मन नहीं है, जो देखते ही एक दूसरे को खत्म कर दें। मैं पुलिस भी नहीं और आप नक्सलवादी भी नहीं हूँ। असल में नक्सल्स ये नाम कैसे आया पता है? जैसे ही हमारे देश को आजादी मिली तो बंगाल में नक्सल भरी गांव में कुछ युवक पुलिस वालों की हत्या करके जंगल में भाग गए थे। उसी दिन से पुलिस को खत्म करके जो भी जंगल में भागता है उसे नक्सलवादी कहते हैं। आप नक्सलवादी हैं क्या? हम नक्सलवादी नहीं है, लोगों के न्याय के लिए लड़ने वाले फाइटर्स है। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूं। आप भी जनता के लिए लड़ रहे हैं और हम भी जनता की सेवा कर रहे हैं, दोनों जनता का काम ही तो कर रहे हैं ना, तो फिर झगड़ा करके क्या फायदा? पुलिस का मार नहीं खाए हो ना, इसलिए ये सब बोल रहे हो। जो पुलिस को जानता है ना वो ऐसे बात नहीं करता है। पुलिस का दरिंदगी तुमको पता नहीं है। हमारी ट्रेनिंग में भी यही सिखाया जा रहा है, आपको नक्सलवादियों की दरिंदगी पता नहीं कहकर आप भी इनको यही सिखा रहे हैं। दुश्मनी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। अब तक किसी और पर भरोसा करते आए हैं लेकिन साथ में बैठकर कभी बात नहीं की, इसलिए डायरेक्टली मिलने के लिए आया हूं। मिलकर काम करते हैं। ये पुलिस वाले लोग पे भरोसा करके बहुत बार धोखा खाए हैं, अब कबो भरोसा नहीं करेंगे। अब इस बात पर बहस करना मुझे पसंद नहीं, सीधे सीधे पूछ रहा हूँ आपको मुझ पर विश्वास हो इसके लिए क्या करना होगा? वो काम मैं करूंगा, उसके बाद ही मेरी बात आपको माननी होगी। ये जंगल के आसपास बहुत ग्रुप है, कौनों के पास काम नाम नहीं है। पहले सब लोग के रहने का इंतजाम करो, उसके बाद वो लोग के लिए रोजगार लेकर आओ, ओकरा बाद भरोसा कर सकेंगे।
ऐसा ही होगा। आप और मैं जनता की खुशी के लिए आपकी शर्तों को मैं मानता हूँ। आपका विश्वास होने के बाद ही मैं दोबारा आपसे मिलूंगा। बात है इंस्पेक्टर, यहाँ पर आए हो? नक्सलाइट की हिट लिस्ट में पहला नाम आपका है सर। अरे बाप रे, अब क्या करूं? कांग्रेट सर, स्कूल में फर्स्ट आए थे ये तो पता नहीं, अब आप हिट लिस्ट में फर्स्ट आ गए हैं। बेवकूफ, मैं हैदराबाद चला जाऊंगा। लिस्ट में आपका नाम रहने तक हैदराबाद तो क्या अमेरिका भी जाने नहीं देंगे। अब क्या करूं, कुछ तो बताइए आप। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हर प्रश्न का उत्तर जिसके पास है वो मैं ही हूं, न्याय का झंडा लहराए फिरूं हर घर का आंगन। अरे बैठिए बैठिए, और सब ठीक है ना? जीतू हर दिल और हर दुआ को साजो छेड़ू, जो गूंज उठे हर पल हर कण कण, जश्न उजालो का है ये कीमत, मेहनत की खुशियों से जीवन मंत्र सुना के खुद पर सदा उपकार कर। फौलादी है इरादे दिल के शातर बंदा, हमसे न उलझना शैतानी है एक चाल। नमस्ते सर। नमस्ते। आपके हर काम को भैया जी ऑब्जर्व कर रहे हैं। भैया जी आपसे मिलना चाहते हैं सर। मिलते हैं। फिर कब जाकर मिलेंगे? भैया जी मुझसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें ही मेरे पास आना होगा। भैया जी चल रहे। भैया जी के जंगल छोड़कर गांव में आ गए हैं, कुछ तो होने वाला है, चलो जाकर देखते हैं। ए अर्जुन, बाहर आ जाओ। तुम हमारा भलाई का सोचा है, इसीलिए हम लोग सरेंडर कर रहे हैं। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन समर्पण करने के लिए मैंने कब कहा आपसे? क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है ये? कौन सर? अर्जुन सिंह की बात कर रहा है। भाई, पनिशमेंट देने भेजा या पिकनिक पर भेजा? अब क्या किया उसने? और क्या करेगा? पुलिस और नक्सलवादियों ने मिलकर नया पुलिस स्टेशन बनाया। अस्सलाम वालेकुम डैड। डैड सुनिए, अर्जुन सिंह की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं उनकी अपनी कहानी भी सुनना चाहता हूँ। उनके माँ बाप, अपने बीवी बच्चे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, 5-6 ट्रांसफर के बाद उन्हें सर्कल इंस्पेक्टर का प्रमोशन मिला। प्रमोशन मिलने के आसपास ही शायद उनकी शादी हो गई थी। सर्कल इंस्पेक्टर का चार्ज तो उन्होंने बीच रोड स्टेशन में लिया था। सर, हेलो। वेलकम सर। थैंक यू। ये आपका कैबिन है सर। ओके। सर, स्टेशन की तरफ से ये सेलफोन आपको दिया जा रहा है सर। सर, मैंने नहीं खरीदा सर, अमेरिका से मेरे बेटे ने भेजा है। कौन सा फोन है ये? ब्लैकबेरी सर। क्या क्या फीचर्स हैं? बहुत कुछ है सर, मिनी साइज कंप्यूटर जैसा है, मेल भेज सकते हैं और MMS भी भेज सकते हैं। ओह, होम मिनिस्टर का फोन है।
मतलब मेरी पत्नी का है सर। हाँ उठाइए सर। कोई बात नहीं, बात कीजिए। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? स्टेशन में। घर कब आ रहे हो? ड्यूटी होने के बाद एक छोटा सा काम है, वो पूरा करके आ जाता हूँ। बदमाशी करोगे तो हाथ पैर तोड़ दूंगी। ड्यूटी खत्म होते ही सीधे घर आ जाना। किसी औरत के साथ घूमोगे तो चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझ गए ना? नहीं समझ गया, ये कहो। समझ गया सर। जल्द से जल्द इस फोन को बदलना होगा सर। क्यों, क्या हुआ? होगा क्या सर, मेरी पत्नी की गालियाँ बाहर सबको सुनाई दे रही है सर। पर इसमें तो बहुत सारे फीचर्स हैं। मेरे फ्यूचर की बात लग रही है तो मैं इसके फीचर्स का क्या करूंगा सर? हेलो, मेडिकल कॉलेज में रैकेट चल रहा है, प्लीज आप अर्जेंटली आ जाइए मैडम। ठीक है, आ रहे हैं। इस उम्र में भी आप बहुत अपडेट हैं। कौन था फोन पर? पूरे बदन को ढककर आने के लिए एसी कॉलेज है क्या? थोड़ा सा हवा आने दो ना। हे, क्यों नखरे करती है रे? पढ़ने के लिए शहर तक आए हो और आज भी पुराने जमाने का ड्रेस क्यों पहना है? चलो इसे निकाल दो। ए, उनको क्यों छोड़ दिया? वो सब तेरी बहन लगती है क्या? बहन नहीं लगती है, लेकिन आप इतना कह ही रहे हो तो निकाल ही लेते हैं ना। ए, रुक क्यों गए? कंटिन्यू। इतना डर क्यों रही हो? मुझे देखने के बाद हिम्मत मिली है क्या? चलो, आज तो मैं पुलिस स्टेशन में था, किसी ने फोन किया था इसलिए मैं आया हूं। आया हूं इसलिए उनकी हड्डी पसली एक करूंगा। लेकिन आप कल इसी कॉलेज में आएंगे, वो लोग भी कॉलेज में आएंगे, फिर से रुलाएंगे। उस टाइम पुलिस स्टेशन में मैं नहीं रहूंगा, तब आप क्या करेंगी? मुसीबत से हमें खुद निपटना होगा। पुराणों में राक्षसों को देवता ही नहीं, देवियों ने भी खत्म किया है। उन देवियों की शक्ति आपके अंदर भी है, आपके पास भी हथियार है। उस कड़े को हाथ में पकड़ो, तुम अपनी चप्पल हाथ में ले लो, अपना हेयर पिन निकालो। जब ये लड़के छेड़ते तो आपको क्या करने का मन करता है? मारने का मन करता है सर। हाथ पैर तोड़ने का मन करता है सर। जॉन से मारने का मन करता है सर। हाँ तो मारना है तो मार दो, हाथ पैर तोड़ने तो तोड़ दो, जान से मारना है तो जान से मार दो। को भड़काकर मजे ले रहे हो? शराफत से रोक दो इन्हें। तू जानता है मैं कौन हूं, यहां के एमपी का बेटा। अभी के अभी ने रोको। कैसे हो पापा? मैं अच्छा हूँ बेटा, मिलिट्री वाला हूँ, जबरदस्त स्ट्रांग हूँ, लोहे की बॉडी। रिटायर्ड मिलिट्री। तुम्हें प्रॉब्लम है? पूछता हूँ, क्यों बेटा
लास्ट टाइम शादी कर लो बेटा कहा तो इंस्पेक्टर बनने दो पापा कहा था, अब तो इंस्पेक्टर बन गए हो, अब तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें शादी करनी ही होगी। हाँ बेटा ठीक है, लड़की देखिए मुझे पसंद आई तो शादी कर लूंगा। ऑलरेडी हमने एक रिश्ता देख लिया है बेटा। वो लड़की भी इसी शहर में रहती है, इसीलिए तो हम आए हैं। हमें तो लड़की बहुत पसंद आ गई है, एक बार तुम देख लोगे तो डेफिनेटली तुम्हें भी लड़की पसंद आएगी। झटपट शादी होगी, उसके बाद बच्चे होंगे, बच्चों से पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। काफी देर से इंतजार कर रही हो क्या? ओह, शायद तुम गूंगी तो नहीं हो? हाँ तो कुछ बात करो ना। हाय। ओह मतलब अब मुझे देखकर डर रही हो या शर्मा रही हो? मतलब मैंने कभी पुलिस वाले से बात नहीं की। लेकिन मैं पुलिस बन के नहीं आया हूँ, आम लड़के की तरह यहाँ पर लड़की देखने के लिए आया हूँ। वैसे पुलिस पब्लिक की दोस्ती होती है ना? ऐसी बातें सिर्फ कहने के लिए होती है, लेकिन दोस्त समझने वाला कोई नहीं होता। ओह अच्छा, शर्माते शर्माते ही सारी सच्चाई बता दी ना। सिनेमा देखती हो क्या? नहीं देखती। मैं तो बहुत देखता हूँ, हम दोनों की आदतें एक जैसी ही हैं। सर आपका जूस रेडी है। आप रुकिए मैं लेके आती हूँ। हे वो देखो अर्जुन सर खड़े हैं। चलो यार चलते हैं। हाय सर। हाय। जब से आपने हमें बचाया तब से कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। गुड। आपको पुलिस ड्रेस में देखकर मैं तो पागल ही हो गई थी सर, और अब इस कैजुअल ड्रेस में देखकर वो पागलपन और ज्यादा बढ़ गया है। ये मेरी मंगेतर है। हाय। हाय मैम, आप बहुत लकी हैं। हाँ सर, मैम बहुत लकी है। बाय सर। बाय सर। कौन है ये लड़कियाँ? मेडिकल कॉलेज की लड़कियाँ हैं, मुझ पर यूनिफॉर्म के अलावा ये ड्रेस भी अच्छा लगता है कह रही थी, शायद उन्हें मैं पसंद हूँ। आपकी नजर उतारनी होगी। अच्छा ये काली कौन है? सर वो इस शहर का बहुत बड़ा गुंडा है सर, एमपी भैरव सिंह का राइट हैंड है, उस एमपी की सारी इल्लीगल एक्टिविटीज को हैंडल करता है वो। ए रुको, हाँ किसने मारा इसको? मालूम नहीं सर, मुझे नहीं पता। क्या हुआ था यहाँ पे? मुझे नहीं पता साहब। तुम्हारे दुकान के सामने हुआ और तुम्हें पता नहीं? मैं अपना काम कर रहा था, देखा नहीं साहब। यहाँ क्या हुआ था किसी को भी पता नहीं? किसी एक ने भी नहीं देखा क्या? किसी ने देखा हो तो मुझे आकर बताइए। सर वही ये काली है सर। तेरे बारे में सुना है? तेरे बारे में भी सुना है मैंने। वो क्या? हाँ
बहुत सिंसियर है ना तू? सिर्फ सुना है ना, देखा तो नहीं, दिखाऊंगा। मैंने तो दिखा दिया, हालत देखकर समझ में नहीं आ रही है क्या? यहाँ जो भी हो रहा है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है, मैं जानता हूँ। फिल्म देखकर लोग बिगड़ गए हैं। सर, पुलिस को फिल्मों में हीरो दिखाते हैं और हम जैसे लोगों को विलन बना देते हैं, लेकिन असली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जी हाँ, तुम कुछ भी नहीं हो, ये रियल लाइफ है, यहाँ कोई विलन नहीं रहेगा, लेकिन हीरो यहाँ पर। पुलिस! इसे लाकर मेरे जीप में डालेंगे तो मेरे पर्स में जितने पैसे हैं सब दे दूंगा। कोई एक तो आगे आओ, एक भी नहीं है क्या? तुम्हारे शहर की लड़कियों को देखकर सीखी है, उन्हें छेड़ने वालों का हाथ पैर तोड़ा है उन्होंने, किसी एक में भी हिम्मत नहीं है क्या? पकड़ेगा? ये क्या, सिर्फ 100 रुपए? इन 100 रुपयों से जाके सभी आदमियों को चूड़ियां पहनाऊंगा साहब, चलता हूं। क्या कर रहे हो? काली जी को यहाँ क्यों लेकर आए हो? काली जी नहीं सर, ये गली का गुंडा है। वैसे मैंने इसे अरेस्ट नहीं किया है, मार्केट में हुए मर्डर के बारे में इसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ लाया। इन्वेस्टिगेशन करने का एक प्रोसीजर होता है, तुम्हें पता नहीं है? सॉरी काली जी, अब आप जा सकते हैं, अगर कोई फॉर्मेलिटी होगी तो हमारी पुलिस आपके पास आ जाएगी। पहले जाकर उस एमपी से मिलो। ओए इधर! चंगेज खान मेरा पसंदीदा बादशाह है। उसने ये कहा था कि लोगों की भलाई करेंगे तो कुछ सालों के लिए याद रखते हैं, वहीं बुराई करेंगे तो कुछ सालों के लिए याद रखते हैं। हम तो राजनेता हैं ना, लोगों के मन में हमेशा रहना चाहते हैं। हम ऐसे ही हैं, कभी नहीं बदलेंगे। गवर्नमेंट 5 साल में एक बार बदलती है, उस गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग नहीं बदलेंगे? जरूर बदलेंगे। अगर अपने आप को आपने नहीं बदला तो मैं ही आपको बदल दूंगा। बदलना हमें नहीं तुम्हें है। तुम्हारा डिपार्टमेंट मेरी गवर्नमेंट के लिए काम करता है, तुम मेरे लिए काम करो, हम दोनों का फायदा होगा। फायदा सिर्फ हम दोनों का नहीं, समाज का होना चाहिए। समाज? समाज के बारे में तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। देश का हर एक नागरिक सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक गांधी जी को सलाम करता है। पता है क्यों? इस देश में चलने वाले हर नोट के ऊपर गांधी जी की तस्वीर होती है। कि मेरे पास होगा तो मुझे सलाम करेंगे, तेरे पास होगा तो तुम्हें भी सलाम करेंगे। लोगों के सलाम के लिए, रिश्वत के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। हमें गुनाह करना भी आता है और कानून से बचना भी आता है। मेरे इस राज्य में जो भी गुनाह करेगा वो मुझे हमेशा याद रखेगा, इसलिए कि यहाँ पर गलती करने वालों के लिए उस भगवान का भेजा हुआ यमराज हूं मैं।
इस बात को भी आपके चंगेज खान ने कहा था। देख रहे हैं भैया इसकी अकड़। इसीलिए कहा था डैड, मुझे मारा तभी इसे मार देते, पर आप नहीं माने। एक पुलिस ऑफिसर को मारेंगे तो पूरा डिपार्टमेंट हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, इसलिए पुलिस को कभी नहीं मारना चाहिए, उन्हें अपने इशारों पर नचाना होगा। उसकी खबर तो मैं लूंगा। हेलो सर, मार्केट में इलीगल धंधा चालू है सर, खुलेआम माल को खरीदा और बेचा जा रहा है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। सर आज एमपी के घर पर पार्टी है, तुम अर्जेंटली जाकर उन्हें सिक्योरिटी दो। सर मार्केट में स्मगलिंग चल रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं वहां पर जा रहा हूँ। किसको कहाँ भेजना है मुझे पता है। सर तुम पहले एमपी के घर जाओ। मेरी बात तो सुनो। करने के बाद भी आप क्यों नहीं आए सर? रिस्क लेकर आपको इन्फॉर्म किया है सर। सर उस मेगा मार्केट के पास एमपीजी का कार ब्रेकडाउन हो गया है, तुम उन्हें ले जाकर घर पहुंचा देना। सर आपको घर छोड़ने के लिए कहा है। देख रहे हो काली, हाँ? कितना आसान है, पुलिस आएगी तो क्या होगा ये सोचकर तुम बहुत डर गए थे। लेकिन अब वही पुलिस वाला हमारे माल को सेफ्टी से लेकर आ रहा है, इसके हाथों में स्टेरिंग होने तक गाड़ी इसके हिसाब से चलेगी। जब तक ये हमारे हाथों में है, हमारे हुक्म का गुलाम बनकर हमारे पीछे घूमता रहेगा। मारा है इस आदमी को, किसने मारा है इसे? अगर किसी ने देखा हो तो हमारे पास आकर बताओ। किसी एक ने भी नहीं देखा। अभी हमेशा ड्यूटी करेंगे, कहीं बाहर चलते हैं ना। फिल्म देखने चलें? फिल्म देखनी नहीं है, कहीं घूमने जाना है। पार्क में चलें क्या? चलना वल्ला नहीं है, मुझे ये सब नहीं पसंद है। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? फॉरेन चले क्या? और चार हफ्ते छुट्टी लूंगा तो हम वहीं रह सकते हैं, इसलिए कि निकाल देंगे ना। तुम भी ना, इतने दिन कैसे छुट्टी मिल सकती है? हमेशा एक ही बात बोलते हो, फिर बार बार पूछती क्यों? पत्नी से बहुत प्यार करते हो ना, सोचा ये तो कर ही सकते हो। ठीक है देखते हैं। अच्छा सुनो, फॉरेन नहीं तो इंडिया टूर भी चलेगा। हाँ देख लेंगे। क्या हुआ? समझाने के बाद भी पुलिस स्टेशन लेकर आ गई है सर, आप ही से समझाओ ना। क्या बात क्या है? कॉलेज में ड्रग्स बेच रहे हैं सर, इस वजह से दूसरे स्टूडेंट्स भी बर्बाद हो रहे हैं सर। बेचने वाला कौन है पता है? एमपी भैरव सिंह का बेटा है। ये तो सबको ही पता है ना? सब पता है, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते सर। हम क्या कर सकते हैं, कोई कंप्लेंट देगा तो ही कुछ कर सकते हैं ना? वही ड्रग्स बेच रहा है, मैं कंप्लेंट दूंगी। सर सर दया करके आप इसे मना कीजिए सर, वो बहुत बड़े लोग हैं सर, उनसे दुश्मनी मत लो, मैंने इसे बहुत समझाया सर लेकिन ये नहीं मानी, कम से कम आप इसे समझाइए। कंप्लेंट देने की हिम्मत है? दूंगी सर। तो कंप्लेंट दे दो।
आधे घंटे में उसे लाकर अंदर कर दूंगा। क्यों लेकर आया? इतनी बार वार्निंग दिया फिर भी समझ नहीं आ रहा। इसके नाम की कंप्लेंट है। क्यों भाई राइटर, इसके खिलाफ किसी ने कंप्लेन दिया है क्या? मतलब आप इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है। तुम अपनी मनमानी किए जा रहे हो, दिन ब दिन हद पार कर रहे हो तुम। सॉरी बाबा, इससे कोई गलतफहमी हो गई है, माफ कर दीजिए इसे। ए, बाबा को घर छोड़ गया। थैंक यू सर। थैंक्स किस लिए बाबा? तुम अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाओगे तो डिपार्टमेंट चुप नहीं रहेगा। वर्दी पहनकर काम कर रहा है, तेरे साथ क्या किया है डिपार्टमेंट ने? तू एक डीएसपी से बात कर रहा है, ये बात याद रखना। अब तक बचे हो तो इस वर्दी की वजह से, अगर ये वर्दी ना होती तो अब तक अंदर करके हड्डी पसली एक कर देता। कमिश्नर से तेरी कंप्लेन करके तुझ पर एक्शन लूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे ये किसी की बात नहीं मान रहा है सर। कोई भी एक्शन लेते वक्त किसी को एक बात तक नहीं बताता है, बस अपनी मनमानी किया जा रहा है। मनमानी नहीं सर, कानून के तहत। देख रहे हैं सर इसका बिहेवियर, कैसे बात कर रहा है ये। जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो इसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, छोटे बड़े बिना देखे सबको अंदर कर देता है। इससे मेरा प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया है सर मेरा। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, पहले कोई एनकाउंटर? यही था सर, एनकाउंटर करने के लिए कहा था तो नहीं किया था। मेरे बात करते समय तुम चुपचाप बैठोगे तो अच्छा रहेगा। सॉरी सर। क्यों अर्जुन, तुम कानून और डिपार्टमेंट की केयर नहीं करते? एनकाउंटर करने के लिए कहा तो कोर्ट में सबमिट करते हो? तुम जैसे ऑफिसर्स को देखकर खुशी होती है, एट द सेम टाइम तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचकर डर लगता है। उसी डर को तुम भी मेंटेन करोगे तो अच्छा होगा। मुझे डर पर गुस्सा आता है सर। देखा ना सर, गुस्सा आता है, इसे डर से गुस्सा आता है। अब भला कोई ऐसी बात करता है? इंसान के अंदर थोड़ा डर खौफ तो होना ही चाहिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक बात क्या है पता है तुम्हें? किसी से ना डरना, इसलिए कि डरने वाले को डराया जाता है, जो किसी से नहीं डरता वो मार दिया जाता है। तब क्या करोगे तुम? पुलिस मतलब एक व्यक्ति नहीं है सर, पुलिस मतलब एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में एक पुलिस ऑफिसर शहीद होता है तो उस जगह एक और पुलिस ऑफिसर आ जाता है सर, वो भी शहीद होता है तो उस जगह कोई और पुलिस ऑफिसर आ जाता है सर। ये तो होता ही रहेगा, पर पुलिस नाम की व्यवस्था का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बट स्टिल प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा सर। इससे इस तरह बात मत कीजिए सर। तुमने जो भी किया गलत है। कानून के हिसाब से काम करना गलत है तो मैं कुछ नहीं कर सकता सर। फिर भी आपने मुझे क्यों बुलाया मुझे पता है, मुझे सस्पेंड करने के लिए। उसके लिए आपको एक रीजन चाहिए, इतना ही ना। कौन सा रीजन देने वाले हो? ये रीजन काफी है ना सर, 1 वीक सस्पेंड करने के लिए। एक्चुअली मेरी पत्नी फॉरेन जाने के लिए कह रही थी, 2 वीक सस्पेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग यहाँ कैसे? सर हमें अर्जेंटली जाना होगा सर। इन्हें घर तक छोड़ आता हूँ। नहीं सर, मैडम के लिए कार अरेंज की है। कार क्यों अरेंज की है? जी, कुछ बता नहीं रहे हो तुम, चलो मैं आता हूँ।
सर। वही ड्रग्स बेच रहा है, मैं कंप्लेन दूंगी। सर आपके फॉरेन जाने के बाद वो काली और एमपी के बेटे ने। कौन हो तुम लोग? देख, आँख खोल के देख। तेरी बारी। क्यों बे? कंप्लेंट करेगा? मेरी बेटी को छोड़ दिया। कंप्लेंट करेगा? देख लिया ना अपनी बेटी की हालत, सबको पता चलना चाहिए ये रेप हमने किया है, समझा? बहुत समझाया सर, लाख मना करने के बाद भी आप पर विश्वास करके मेरी बेटी ने कंप्लेंट दी थी सर। मैंने आपके आगे हाथ जोड़ा था, इसे रोकिए सर, कहा था बड़ों से दुश्मनी मत लो, फिर भी आपने मेरी बेटी से कंप्लेंट लिखवा ली। उसने सोचा था आप उसकी रक्षा करेंगे सर, आप कहां चले गए सर? हमारी जिंदगी बर्बाद होने के वक्त आप कहां चले गए? आप कहां चले गए थे सर? आपने हमें धोखा दिया है, आपने धोखा दिया है हमें। मुझे मेरी बेटी चाहिए सर, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, चाहिए मुझे मेरी बेटी वापस, मेरी बेटी वापस चाहिए मुझे सर, मेरी बेटी चाहिए मुझे, मुझे मेरी बेटी वापस, मेरी बेटी, मेरी बेटी कहाँ चली गई? एक्सक्यूज मी सर, उस लड़की का बचना इम्पॉसिबल है। बचाने की कोशिश करने के बाद भी हम उस लड़की की जान को नहीं बचा सकते, इसलिए मेहरबानी करके उसे यहाँ से ले जाइए प्लीज। लेकिन डॉक्टर सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पोजीशन, यहाँ पर मर गई तो हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लड़की की जान से हॉस्पिटल की रेपुटेशन ज्यादा है क्या? सर, छोड़ दीजिए सर, हम केस लेने से मना कर रहे हैं फिर भी पुलिस के प्रेशर की वजह से एडमिट किया था सर, चाहे तो डिस्चार्ज कर देता हूँ, लेकर जाइए प्लीज। देखो अब तक जिंदा है, इसमें बहुत जान है। लगता है वो समझ गया कि हम क्या चीज हैं। दोबारा रेप करवाने आया होगा, आखिर हमारी औकात उसे पता चली गई। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, अगर वो रेडी है तो इस बार हमारी पूरी गैंग भी रेडी है। Thank you.
गई।
मुझे छोड़ दो सर, आपको जितना पैसा चाहिए दूंगा, पापा से बोलकर आपको जो चाहिए वो दिलवाऊंगा, प्लीज। इस लड़की से मैं शादी करूंगा, इस लड़की से मैं शादी करूंगा। क्या हुआ यहां पर? किसी ने देखा हो तो हमारी मदद कीजिए। किसी एक ने भी नहीं देखा? क्या मैंने देखा है सर? आपने क्या देखा है माँ जी? उन तीनों ने इस लड़की का रेप किया था, इसने हॉस्पिटल से भागकर इन तीनों को खत्म कर दिया है सर। मैंने भी देखा सर। हमको मारते हुए मैंने भी देखा। राइटर साहब लिख लीजिए सर, उसका रेप करने वालों को खत्म करके वो खुद भी मर गई है, लिख लीजिए। सामान्य लोग हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे सोचने वालों के लिए, ये हत्याएं एक चेतावनी है कहकर लिख लीजिए। लड़कियों की इज्जत के साथ खेलेंगे तो उनकी जान जाएगी, ऐसा लिख लीजिए। आज सुबह निशा रेप केस के आरोपियों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। आरोपियों को जानबूझकर पुलिस ने मारा है कहकर ये कानून के खिलाफ है। मानव अधिकार संघ बहस करने पर भी जनता पुलिस के एनकाउंटर को लेकर खुशी जाहिर कर रही है। इस वजह से जनता की नजर में पुलिस की इज्जत और बढ़ गई है। जनता और पुलिस दोनों आओ बेटा बैठो। सफर अच्छा था ना? डैड मुझे अर्जुन सर से मिलना है। उनसे मिलना मुमकिन नहीं है। किस लिए? प्लीज डैड क्यों नहीं मिल सकता बताइए, क्यों नहीं मिल सकता? इसलिए कि वो गुजर गए हैं। कुछ साल पहले यहां एक स्कूल में टेररिस्ट अटैक हुआ था, याद है? उस अटैक में मारे गए हमारे अर्जुन सर। डैड ऐसा कैसे हो सकता है? अर्जुन सर तो वाइजैक में काम कर रहे थे ना, तो वाइजैक छोड़कर हैदराबाद में क्यों आए? वाइजैक और हैदराबाद तो दोनों अलग अलग जोन है ना, असल में टेररिस्ट का पुलिस से क्या संबंध है डैड? क्या हुआ डैड? ये सब जानने के लिए तुम्हें कमिश्नर साहब से मिलना पड़ेगा। सर, नमस्ते सर। हम दोनों ही रिटायर हो चुके हैं, फॉर्मेलिटी किस लिए? बैठिए। हाँ ठीक है सर। बताइए क्या बात है? अर्जुन सर के बारे में जानना चाहता है। अर्जुन सर को वाइजैक से हैदराबाद क्यों लाया गया था सर? अर्जुन सर का टेररिस्ट एक्टिविटीज से क्या संबंध था? बताइए सर, वाइजैक के उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ था? एक बार इंसान के हाथों में खून लगता है तो वो दाग हमेशा के लिए रह जाता है। उस इंसिडेंट के बाद अर्जुन का ट्रैफिक पुलिस में ट्रांसफर कर दिया गया। हेलमेट लगा? उसे देखकर सभी डर जाया करते थे। लाइन क्रॉस करता है, पीछे चल, पीछे चल। बोलिए सर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
ठीक है सर, ड्यूटी के बाद मेरे गेस्ट हाउस में आऊंगा सर। कांग्रेट सर, आप हैदराबाद के कमिश्नर बन गए हैं इसलिए। थैंक यू। क्या बात है सर, अचानक वैजाग आ गए? हियर आई केम फॉर यू, तुमसे तुम्हारे बारे में बात करनी है। एनकाउंटर करने को कहा तो तुमने कहा कानून हाथ में नहीं लूंगा, उस वक्त भी तुम मुझे पसंद आए थे, लेकिन अब एक मैटर में तुमने कानून से आगे जाकर काम किया है, फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं आ रहे, इसलिए कि पहले केस में मुझे तुम्हारी समझदारी नजर आई, लेकिन दूसरे केस में तुम्हारा गुस्सा नजर आया। यू हैड टेकन द मैटर वेरी पर्सनली। मैंने पर्सनली नहीं लिया है सर, उन्होंने जो किया उसके लिए तो तुम्हारे पास समाधान हो सकता है, लेकिन वो समाधान तुम्हें खुद को संतुष्ट करने के अलावा मेरे काम नहीं आएगा। बैठ जाओ। तुमने ही कहा था ना, पुलिस मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक सिस्टम है। तुम्हारी ड्यूटी लोगों की रक्षा के लिए अर्जुन, गुनहगारों को सजा देने के लिए नहीं है। सुनो अर्जुन, हर एक इंसान उसके अंदर के राक्षस को कैद करके राम की तरह जीना चाहता है, लेकिन सिर्फ एक पुलिस वाला ही उसके अंदर के राक्षस को खत्म करके राम की तरह ड्यूटी करता है। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम अपने अंदर के राक्षस को खत्म करके राम की तरह जी सकते हो तो हैदराबाद आकर मुझसे मिलो, वहां पर तुम्हारी जरूरत है मुझे। हैदराबाद में एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का नाम है मीर अली बाग। यहाँ के लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लोकल लीडर के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेंट नहीं करते। वैसे यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग गरीब और अनपढ़ हैं, इस वजह से क्रिमिनल्स का काम आसान हो जाता है। टेररिस्ट अपने ऑपरेशन की प्लानिंग यहीं से कर रहे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन यहाँ कोई भी पुलिस को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। हैदराबाद में होते हुए भी इंटेलिजेंस के लिए हमें नेशनल एजेंसीज का सहारा लेना पड़ता है। आई होप यू कैन ब्रिंग सम चेंज दैट एरिया। आई हैव अ प्लान सर। इस मीर अलीबाग स्टेशन एरिया में मैंने कुछ स्ट्रीट्स को सिलेक्ट किया है, आप में से हर एक को हर एक स्ट्रीट के लिए सिलेक्ट किया है। आपका काम यह है कि कल से हर दिन स्टेशन आकर सिग्नेचर करके आपके स्ट्रीट में जाना होगा, उसी स्ट्रीट में बैठे रहिए, वहाँ के लोगों से बात कीजिए, उन्हें क्या चाहिए देख लीजिए। वो लोग हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ये सोचकर हम भी उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सही नहीं होगा, उनको प्रोटेक्शन देना ही हमारी ड्यूटी है। शाम को ठीक 7 बजे सभी स्टेशन में आकर हर दिन क्या हुआ उसकी रिपोर्ट देनी होगी। कल से आप सबकी यही ड्यूटी है। ऐसा है हर्षा, किस किस को किस स्ट्रीट में जाना है ये बताएंगे, जाइए। एक मिनट जाओ, आओ आओ। हाँ, कितना हुआ मियाँ? 10 रुपया। ये लो। हाँ शुक्रिया। अरे अरे रुकिए, क्या हुआ सर? ले लीजिए आपका पर्स। शुक्रिया सर। पुलिस हूँ इसलिए दे रहा हूँ, कोई और होता तो देता क्या, संभाल के। शुक्रिया साहब। अरे तुम तो अच्छी पढ़ाई करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, पैसे कमाना, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? अरे रुको रुको रुको, अरे अरे उठाओ यार बच्ची को, उठाओ उठाओ बच्ची को, चुप जा बेटा। अरे क्या कर रहे हो तुम इसमें? अरे चुप, बच्ची को गिरा के बकवास कर रहा तू, चल बेटा। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? संभल के जाओ बेटा। अरे क्या तमाशा लगा रखा है, चलो सब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरी शादी है। अच्छा, शादी मुबारक।
आप जरूर आना। हाँ हाँ जरूर। अरे ये क्या, आपको 7 बजे तक रहने के लिए कहा था ना, इतनी जल्दी क्यों आ गए? मेरे बैठने की जगह पर स्ट्रीट लाइट खराब हो गई है सर। वैसे भी वहाँ कोई खास काम नहीं है तो मैं वहाँ बैठकर क्या करूँ? आप जाकर रिपेयर करा सकते हैं ना। वो हमारा काम नहीं है सर। भले ही वो अपना काम ना हो, वक्त आने पर करना पड़ता है। जाकर उस लाइट को रेडी करवाइए। भाई संभल के, संभल के, संभल के चढ़ो। धीरे धीरे धीरे। हाँ रुको, अरे रुको रुको रुको, स्विच ऑफ करो भैया। हाँ अब चेक करो। धीरे धीरे धीरे, संभल के संभल के। ऑन करो ऑन करो। वेरी गुड। अरे ये तो लाइट शुरू हो गया। क्या हो रहा है? देखिए ना सर, हमने 4 ग्लास जूस पिए और इनको 500 दिए। बाकी के पैसे वापस मांगे तो बोल रहे नहीं दिए। नहीं दिया है साहब। अरे अभी दिए ना सर, 4 ग्लास पीकर 500 दिए, ये झूठ बोल रहा है सर। अरे इसमें जितने भी नोटे वो आपके हैं क्या? आप सब स्टूडेंट्स हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। फ्रेंड्स हो ना? हाँ सर। हाँ सर। पैसा किसने दिया? मैंने दिया। आराम साधो, पैसे दिए होते तो एक ही हाथ उठाता। मैंने दिए, मैंने दिए कहकर झूठ बोल रहे हो। चलो दो उसका पैसा वापस, चलो दो जल्दी। ये हरकत दोबारा की तो चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा। स्टूडेंट्स हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, फिर से यहाँ दिखाई मत देना। जाओ यहाँ से। याद रखना पुलिस है यहाँ। बैंगन कितने के दिए? 10 रुपए किलो। 10 रुपए क्यों, 8 रुपए के दे दो। नहीं चाहिए तो जाओ यहाँ से। अरे ये कौन है मालूम? नासिर भाई की बीवी है। नासिर साहब की बीवी है। एक मिनट, ये ले लो। आ, आ, इतना? अब, और अब ये भी ले लो, और ये भी रख लीजिए। इसके पैसे कितने दूँ? पूरा मिला के 20 रुपए हो गया। इतना सब कुछ सिर्फ 20 रुपए? हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसीर भाई के लिए भेजा ले जाओ। शुक्रिया। आदाब। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। आइए आइए जी, इतनी देर क्यों लगा दी? हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं आप। चलिए खाना खा लीजिए। खाइए जी, सब आपकी पसंद का ही बनाया है। नमस्ते सर। हमारे एरिया में एक प्रॉब्लम है सर। आपका एरिया? जी सर। नाइस। प्रॉब्लम क्या है? 2 दिन से एक लड़की मिसिंग है सर, कुछ 20 साल की होगी। पेरेंट्स घबरा रहे हैं सर, लेकिन लोकल लीडर के पास जा रहे हैं सर, कंप्लेंट देने के लिए हमारे पास नहीं आ रहे। वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हम उनके पास चलते हैं और कंप्लेंट ले लेते हैं। ठीक है सर, चलिए। यही है सर, आइए। थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे। सुना है कि आपकी बेटी मिसिंग है? हम तो कुछ भी नहीं बताएंगे, आपको क्या मतलब? ये हमारा मामला देख लेंगे, आपको बीच में आने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप पुलिस वालों को हम अच्छी तरह जानते हैं, आपको जरूरत हो तो हमारे पास आते हैं, लेकिन हमारी तकलीफ के टाइम में कोई नहीं आता। आप जाइए। पुलिस के बारे में बहुत से लोग यही सोचते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, बचपन में मैं भी पुलिस को बहुत गाली दिया करता था। वर्दी की पावर से ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं कहकर, जब मेरे पापा ने एक बात कही, पुलिस को क्या करना चाहिए क्या नहीं तुम्हें पता है ना, ऐसे में उनको गाली क्यों देते हो? तुम ही पुलिस बनकर सबको सुधारो। जब जनता को ही नहीं पुलिस को भी पता चल जाएगा कि पुलिस की पावर क्या है। उन्हीं बातों से आज मैं पुलिस बन गया हूं। आपको हम पर जो गलतफहमी है उसे मिटाना ही मेरा काम है। मुझ पर भरोसा करके सिर्फ एक बार केस रजिस्टर कीजिए, आपकी बेटी को लाने की जिम्मेदारी मेरी है। सर
सर, कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं सर। इतनी बार कॉल किया है, इसका नंबर ही दाऊद का है, बुलाइए उनको भी। ओके सर। पर बहुत अच्छी लड़की, वेरी एक्टिव, कल ही मिली थी। क्यों मिली थी? वो लड़की कोई जर्नलिज्म का कोर्स कर रही है, उसके बारे में कुछ डाउट्स था तो पूछ रही थी। मुझे पता होता तो बताता, या फिर किसी से जाकर मिलने को कहता। परसों जब मिले थे तो क्या बात की थी? ठीक से याद नहीं है साहब, हर दिन बहुत से लोग आकर मिलते रहते हैं। हेलो, ए पुलिस, इन्वेस्टिगेशन सब बंद कर दे, ये अपन का एरिया है, अपन देख लेंगे, तेरा काम तू देख ले, नहीं तो क्या क्या कर लेगा? दम है तो सामने आकर बात कर। हाँ आ रही हूँ। कौन है? अर्जुन, संध्या डर रही है बेटा। जी हाँ, आप कुछ दिन यहीं रहेंगे तो अच्छा होगा। मुझे काम है बेटा, नहीं होगा, माँ रहेगी। वैसे बहू का ध्यान तो तुम्हें ही रखना है, ऐसे अकेले छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा? हर्षा, मिस हुए लड़की के कॉल लिस्ट में जिसका भी नंबर है सबको बुलाओ, इन्वेस्टिगेट करते हैं। जर्नलिज्म के पीछे पागल थी, मुझसे वो कोई इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रही थी, लेकिन डिटेल के बारे में मुझे नहीं पता सर। जहाँ तक मुझे याद है कि शिवाजी नगर में कोई ओबिस नाम का होटल है, वहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन करने की बात मुझे बता रही थी, उसमें एक रूम भी बुक किया था उसने। क्या ढूंढ रहे हैं सर? उस लड़की पर लिफ्ट में जाने के समय एक हैंडबैग था, लेकिन नीचे उतरते समय हैंडबैग नहीं था। वैसे वो लड़की 13th फ्लोर पर गई है ना, उस फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। वहां पर कैमरा नहीं है सर, किसी की कंप्लेंट से निकाल दिया गया है। उस रोड की फुटेज दिखाइए। स्टॉप, उसको वाली इसका नंबर चेक करो। नंबर इज फेक सर। मतलब डेफिनेटली उस लड़की को इसी कॉलेज में किडनैप किया होगा। एक बार उस पार्क की तरफ जूम करो, उस कार को जूम करो, उस सिंबल पर और जूम करो, उस सिंबल वाली कॉलेज को ढूंढते हैं। चलो। ओके सर। बोले साहब, बात क्या है? 4 दिन पहले ये वाली गाड़ी कहाँ पर थी? पिछले हफ्ते बेंगलुरु जाकर ये कल रात को ही आई। अरे छोटू। हाँ भाई। उस गाड़ी की फाइल लेकर आ। ठीक है भाई। ये देखिए साहब, ये जाने के टोल गेट का बिल है सर, उसके बाद वहाँ डीजल भरवाया, और ये टोल बिल है वापसी का। ठीक है, डिटेल्स तो बिल्कुल करेक्ट है सर। तुम्हारे बिना पूछे इतनी डिटेल्स दी है, मतलब तुम्हें कोई डाउट नहीं लग रहा है क्या? He is covering something.
ये दोनों वीडियो एक साथ प्ले करना। स्टॉप। अरे ये क्या, दोनों में टाइम गैप है? हाँ सर, अगर सेम फ्लोर पर उतरते हैं तो टाइम गैप नहीं हो सकता। मतलब वो लड़की फर्स्ट टाइम 13 फ्लोर से उतरी थी, सेकंड टाइम नीचे के फ्लोर से उतरी है, मतलब हम रॉन्ग रूट में जा रहे थे। चलो। जी सर। सब कुछ नॉर्मल है सर। वो टाइमर मुझे देना, अब 13 फ्लोर का बटन दबाओ। देख रहे हो, 12th फ्लोर आने के लिए 12 सेकंड लगते हैं, लेकिन 13th फ्लोर आने के लिए 14 सेकंड लगे हैं। मतलब फ्लोर को एक सेकंड लगेगा तो 12th फ्लोर से 13th फ्लोर आने के लिए 2 सेकंड लगे हैं। पर ये डिफरेंस क्यों है सर? इसलिए कि 12 और 13 के बीच एक और फ्लोर है। सर उस तरफ। देख रहे हो हर्षा, पर हाँ फर्स्ट टाइम आई थी तो 13 फ्लोर से उतरी थी, नीचे आने के टाइम इस फ्लोर में उतरी थी। देख रहे हो सर, इस फ्लोर से नीचे जाने के लिए लिफ्ट का इंतजाम है, लेकिन लिफ्ट से इस फ्लोर पर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आखिर यहां हो क्या रहा है? ए संध्या, हर बात पर इतना डरती क्यों हो? हम सब लोग हैं ना, कुछ नहीं होगा। वैसे एक बच्चे को जन्म दोगी ना तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए हैं, अब तक तुम्हें बच्चा नहीं हुआ। इसी तरह डरती जाओगी तो कब बच्चे होंगे, कब मुझे पोते पोतियां दोगी? हाँ, घर में बच्चे होंगे तो उनके साथ नाचते गाते जिंदगी कैसे बीत जाएगी? आपकी मदर के मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं सर, 6 months बेड रेस्ट जरूरी है, इनका ध्यान रखेगा, टेक केयर। ओके कौन सी गाड़ी थी? क्वालिस शायद। कलर? मरून। भाई सलाम वालेकुम। कैसा चल रहा है सब? सब ठीक चल रहा है भाई, आपने जैसा कहा मैंने वैसा करवा दिया। टक्कर देने वाले को मेरी तरफ से तोहफा दो। ठीक है भाई। ए, तुम में से किसने टक्कर मारी? मैंने भाई। ये ले, बड़े भाई की तरफ से छोटा सा तोहफा, ऐश कर। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। हाँ, ये पुलिस की गाड़ी में कौन आ रहा है? रुक उसे। ए, रुक। ए, रुक। ए, रुक। ए, पागल है क्या? ए, मारेगा क्या? क्या रे, भागो भागो, भागो भागो, जल्दी जल्दी।
दाऊद इब्राहिम। दुबई में ज्यादातर अरब पति शेख होते हैं। उनमें से कुछ लोग यंग लड़कियों से शादी करने के लिए यहाँ आते रहते हैं। हम यहाँ के गरीब मुस्लिम फैमिली के पास जाकर दुबई शेख आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। इसके लिए आपको 2,00,000 मिलेगा। हम बताएंगे आपकी बेटी की लाइफ दुबई में अच्छी रहेगी। इसके लिए वो लोग भी मान जाते हैं। इस तरह हम लड़कियों को शेख के सामने खड़ा करते हैं। शेख अपनी पसंदीदा लड़की से निकाह करके उस लड़की को गुलाम बना देता है। इससे फरहा का क्या संबंध है? उसके एरिया की लड़कियां निकाह करके गल्फ जा रही हैं, वापस लौटकर नहीं आएंगी। कम से कम फोन में भी टच में नहीं है कहकर शक करते हुए फरहा मेरे पास आई थी। वैसे वो लड़की हमें फॉलो करते हुए हमने कितनी लड़कियों को बाहर भेजा है, कहां कहां भेजा है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए फरहा को किडनैप कर लिया। उस लड़की के साथ क्या किया बता, बता। उसे हमने परसों खत्म कर दिया, जान से मार दिया। सॉरी सर, मैं अपना वादा निभा नहीं सका। मुझे पूरा यकीन था कि आपकी बेटी को सही सलामत ले आऊंगा। वही यकीन अगर आपको हम पर 2 दिन पहले ही हुआ होता तो आपकी बेटी को यहां जिंदा ले आता। I'm so sorry। मुझे दुख है, लेकिन सर आपकी बेटी कामयाब हो गई। आपकी बेटी की जान कैसे गई पता है? इसी एरिया से बहुत सी लड़कियों को शादी के नाम से गल्फ लेकर जा रहे हैं। वहां जाने के बाद उनके साथ क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं। आपकी बेटी ने ही वो लोग कहां है क्या कर रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकालकर डेटा कलेक्ट किया था, और उसी डेटा से हम कुछ लड़कियों को आजाद करके यहां पर लेकर आए हैं। पर इतने सारे लोग खुश हो रहे हैं, इसका कारण कौन है पता है सर? आप हैं। आपने अपनी एक बेटी को पढ़ने दिया, इसलिए आज इतने लोग खुश हैं। यहां की सभी लड़कियां अगर पढ़ेंगी तो यह समाज और कितना खुश रहेगा। क्या बात है अर्जुन, बदलाव काफी हुआ है। लोग बदले हैं या हम बदले हैं? बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो ही वो बदलाव हो सकेगा सर। कुल मिलाकर ये बदलाव अच्छा लग रहा है। गुड जी जनाब। क्यों सलीम भाई, क्या हुआ? सर 1 मिनट सर, अभी आया। जाओ बताइए बात क्या है। जनाब हमारे एरिया में गैरेज में काम करने वाले एक लड़के पर मुझे बहुत शक हो रहा है। उसका नाम है अली। उसके साथ घूमने वाले, उसकी भाषा
उसका खर्चा, उसका खाना पीना, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैंने बेहतर समझा कि पहले आपको बता दूं। कहां पर रहता है वो? मेरे घर के बाजू गैरेज में काम करता है। मैं देख लूंगा, आप जाइए। ठीक है जनाब। कुछ नहीं सर, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली है। उन लोगों से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी वो लोग भरोसा करने लगे हैं, समझ में आ गया। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ओके सर। ठीक है? अली कौन है यहाँ पर? अली भाई, सलाम साहब। बोलो साहब, क्या हुआ? साहब बुला रहे हैं, स्टेशन चलो। साहब वो कपड़े थोड़े खराब हैं, नहा के आता हूँ, आप चलिए ना। दो मिनट का काम है यार, चलो ना। अरे साहब लेकिन, चलो बैठो बैठो, बीच में बैठो। हाँ चलो। मामूली मैकेनिक के लिए जान ली है, मतलब यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। हमारे कांस्टेबल नासिर से कहो इस इलाके की इंक्वायरी करने के लिए। ओके सर। सर कुछ लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान से कुछ लोग आए हैं, उनके दिए हुए इन्फॉर्मेशन के मुताबिक टेररिस्ट एक्टिविटी लग रही है सर। कहाँ है वो लोग? शहर के बीच वाली मस्जिद में। यही वो मस्जिद है। तुम तीनों मूर्ति चौक से आना और आप चारों लालबाग से आना। मैं हर्षा नासिर चूड़ी बाजार से एंटर होंगे। उस तरफ जाओ। भैया इस तरफ जाइए। साहब इस तरफ मत जाइए, यहां से सीधा ऊपर जाइए। ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है। पता चला है कि वो बहुत बड़े लेवल में बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान कर रहे थे। टेररिस्ट को पकड़कर इंडियन इंटेलिजेंस और हैदराबाद पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सर सर सर, अंदर आपने कितने टेररिस्ट को पकड़ा है? इन्वेस्टिगेशन करनी है, बहुत जल्द डिटेल्स के साथ प्रेस मीट बुलाएंगे। थैंक यू। जैसे कि आपने सुना, इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह इस केस की इंक्वायरी करके सारे डिटेल्स मीडिया को बताएंगे। वेलकम सर, हैव योर सीट प्लीज। ये होटल बहुत अच्छा लग रहा है ना? नाइस प्लेस है ना? मैं ओपन हुआ लगता है। इट्स अ गुड प्लेस, आई लाइक इट। स्पेशल खाना है। mm.
क्या ऑर्डर करना है समझ में नहीं आ रहा है, मुझे दो। संध्या, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी। संध्या पर्स लेकर आओ। संध्या, इतना डर क्यों रही हो संध्या? क्या सोच रही हो? तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना? Yes, I love you. तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो सिर्फ कहो मत, करके दिखाओ। क्या करके दिखाऊं? अपनी पुलिस जॉब से रिजाइन कर दो तुम। तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। तुम ड्यूटी पर जब भी जाते हो हर दिन, हर मिनट कब क्या होगा सोचकर उसी का डर लगा रहता है मुझे। प्लीज मान जाओ मेरी बात। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेवजह डर रही हो। नहीं अर्जुन, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें अभी फैसला करना ही होगा, तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या तुम्हारा जॉब। सर, अर्जुन तुमसे कुछ बात करनी है, अर्जेंटली मीर अलीबाग स्टेशन आओ। ओके, आ रहा हूँ सर। ऐसे पागल जैसी बातें करना छोड़ दो और रेस्ट करो, शाम को आने के बाद बात करते हैं। सर, अर्जेंटली आने के लिए कहा था। तुम पर स्नाइपर अटैक करने वाले को हमने पकड़ा है। वो कहाँ है सर? शंकर भैया, जयराम जी। सर ये तो रवि है। हम जानते हैं, लेकिन मैंने इनकी बहुत मदद की थी सर। इनके ग्रुप के कमजोर होने के पीछे खास वजह तुम हो, ये ऐसा समझते हैं। हाँ तो? तुम्हारी वजह से इनका संग वीक हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सल्स के बीच हुए एनकाउंटर में काफी सारे नक्सलाइट्स की जान जाने के पीछे तुम ही वजह हो, ऐसा ये मानता है। तुमसे बदला लेने के लिए ही इसने तुम पर अटैक किया था। ये सब क्या है सर? पुलिस की नौकरी में ऐसा होता है अर्जुन, हमें किसी चीज को पर्सनली नहीं लेना चाहिए, पर सामने वाला तो हर बात को हमेशा पर्सनली ही लेता है। टेक केयर। संध्या, कहाँ जा रही हो? मैं वैजाग जा रही हूँ। तुम जा रही हो? बेवजह डर रही हो संध्या। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ मेरा डर दिखाई देता है, लेकिन मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। अब सब कुछ तो ठीक है ना संध्या? कुछ भी ठीक नहीं अर्जुन, मेरी सासू माँ हमेशा के लिए बेड पे सोई है। ऐसी बात नहीं है संध्या, हम अंदर चल के बात करते हैं। हमारी जिंदगी से हम नाम का शब्द हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। बस हमेशा तुम्हारा जॉब, तुम्हारी ड्यूटी, मेरे दर्द की, मेरे डर की तुम्हें कोई परवाह नहीं। ये सारी मुसीबतें तुम्हारी जॉब की वजह से हैं, मुझे समझने की कोशिश तो करो। तुम अपनी जॉब छोड़कर मेरे लिए आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
बोलो तुम आओगे ना? मुझे तुम पर विश्वास है, मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। क्या हुआ सर? कुछ आतंकवादियों ने स्कूल को अपने कब्जे में लेकर स्टाफ और बच्चों को बंदी बना लिया है। पूरा स्कूल हमारे कब्जे में है, सारे बच्चे और स्टाफ हमारे पास हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मुजाहिदों को तुम्हारी पुलिस ने अरेस्ट किया है। उनसे बात करने के लिए एक नेगोशिएशन की जरूरत है। तुम्हारे पास एक घंटे का टाइम है। अगर कोई नेगोशिएटर नहीं आया या तुम लोगों ने कोई भी होशियारी की तो सारे बच्चे मारे जाएंगे। सर, एटीएस कमांडर आ गए हैं सर। हेलो। हेलो, प्लीज कम। कितने टेररिस्ट हैं अंदर? अराउंड 10 to 15। दे हैव एनी वेपन्स? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ के हाथों में AK-47 और कुछ के हाथों में लोकल गन्स हैं। सो लोकल रिक्रूट्स हैं यहाँ पर? हाँ। सिग्नल जाम किया ना? सब कुछ जाम किया है सर, किसी तरह के कम्युनिकेशन का चांस ही नहीं है। सर, वो लोग बहुत ही प्रिपेयर्ड है। निगोशिएटर के आने में कितनी देर लगेगी वही बता रहे हैं, मतलब उनको बहुत ही क्लैरिटी है। वो इसी स्कूल को सिलेक्ट करने का कारण ये है कि यहाँ पॉलिटिकल लीडर के बच्चे और सेलिब्रिटी के बच्चे हैं। सो हैवी प्रेशर, हम रिस्क नहीं ले सकते। CRPF वाले और ATS वाले आने तक 45 मिनट्स तो लगेंगे ही, जब तक तो वो किसी से बात नहीं करना चाहते। सो मुझे एक चांस दीजिए सर, मैं अटैक करूंगा। व्हाट? अटैक कैसे करोगे? अटैक ही करना होगा सर, इट्स कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। हमें ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है ना सर, वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे तभी हमें अटैक करना होगा। अब तो सिचुएशन पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है, वो खुशी से आराम से अंदर घूम रहे होंगे और बस 45 मिनट में CRPF वाले, मीडिया वाले, नेगोशिएटर वाले आने तक हमारा काम हो जाना चाहिए, तभी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आएगी। ए, तुम तो पुलिस में हो, ये तो ATS कमांडर की ड्यूटी है, और वैसे तुम्हें अटैक करने का एक्सपीरियंस क्या है? सर, आप माओवेस्ट को, टेररिस्ट को, माफिया को अलग मत समझिए सर, मेरी नज़र में वो सब एक जैसे हैं, इंसान के दुश्मन हैं। टेररिस्ट पर ATS कमांडर ही अटैक कर सकता है, ये गलत है। वी आर ऑल्सो वेल ट्रेंड, सो हम अटैक करेंगे सर। कमिश्नर, हु इज ही? जस्ट आस्क हिम टू गेट आउट फ्रॉम हियर। कितने पुलिस वाले चाहिए तुम्हें? सिर्फ 4 की सर। वहां खड़े ऑफिसर्स में से तुम्हें जो चाहिए सिलेक्ट कर लो। थैंक यू सर। अब पागल हो गए हैं क्या? यू आर रिस्किंग एवरीथिंग, अपना जॉब ही नहीं, अंदर बैठे हुए बच्चों की लाइफ भी रिस्क में डाल रहे हो। अंदर बैठे हुए बच्चों में मेरी बेटी भी है सर। स्कूल के अंदर 400 बच्चे हैं, टेररिस्ट कितने हैं हमें पता नहीं, वो खूंखार जानवर हैं। उन जानवरों का शिकार करने के लिए मुझे 4 शिकारी चाहिए। हमारा ये ऑपरेशन सक्सेस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, हम लौट कर जिंदा आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते, लेकिन ये ऑपरेशन हमेशा के लिए यादगार होना चाहिए। अंदर के बच्चों से फ्यूचर में तुम लोग क्या बनोगे पूछेंगे तो डॉक्टर, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट बताएंगे, लेकिन हमारे इस ऑपरेशन के बाद मिनिमम 40 बच्चे तो पुलिस बनूंगा ऐसे कहने चाहिए। मेरे साथ इस ऑपरेशन में आने वाले एक कदम आगे बढ़ाएं। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन हम करने जा रहे हैं स्टिंग ऑपरेशन, मतलब 20 लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 काफी हैं। मैं कुछ कंडीशंस बताता हूँ, उस कंडीशन में रहने वाले एक कदम पीछे रखिए। कंडीशन नंबर 1, आप में से किसी के बच्चे हो तो एक कदम पीछे रखिए। आप में से कोई शादीशुदा हो तो एक कदम पीछे रखिए। आप अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हो तो एक कदम पीछे रखिए। ओके गाइज, लेट्स गेट अप, कम ऑन।
सर, आपको एक बात बतानी है। अभी आपने जिन ऑफिसर्स को सिलेक्ट किया है उनमें से तीन आपकी कंडीशन में हैं। उन्हें यहां पर बुलाइए। क्यों, दिमाग खराब हो गया है? बता दिया है ना कंडीशन में रहने वालों को पीछे जाने के लिए। हाँ हर्षा, तुम इकलौते बेटे हो ना अपने माँ बाप के? जी हाँ सर, मैं इकलौता बेटा हूँ। ये कैसे हुआ पता है सर? मेरा एक छोटा भाई था लेकिन उसकी मौत एक बम ब्लास्ट में हो गई थी। मेरे भाई जैसे 400 बच्चे अंदर हैं सर, और इस बार एक को भी खोने नहीं दूंगा। अमर सर, तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है ना? जी हाँ सर, मेरी शादी हाल ही में हुई है सर। मेरे पत्नी ने मुझसे शादी क्यों की है पता है सर? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसलिए मैं देश के लिए कुछ करूंगा इस भरोसे से मुझसे शादी की है सर। इस समय मैं देश के काम नहीं आऊंगा तो वो मुझसे प्यार कैसे कर सकती है सर? उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता सर। अब जान जाए, प्राण जाए, कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे सर। क्यों सीमा, सुना है तुम्हारे दो बच्चे हैं? जी हाँ सर, मेरे जुड़वा बच्चे हैं। अभी अभी आपने कहा था ना, हमारे इस ऑपरेशन को देखकर कम से कम 40 बच्चे तो पुलिस बनने चाहिए, लेकिन मैं उन 400 बच्चों को बचाना चाहती हूँ सर। क्लियर सर। क्लियर सर। सर पूरे 12 लोग हैं सर। सर दो आदमी प्राइमरी ब्लॉक को, एक आदमी सेकेंडरी ब्लॉक को गार्ड कर रहा है सर। बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके कुछ लोग गार्ड कर रहे हैं सर, और एक आदमी प्रिंसिपल को डराकर सब पर ध्यान दे रहा है सर। ओके गाइस, there are 3 important things. 1, चाहे कुछ भी हो टारगेट मिस नहीं होना चाहिए, हम शूट करेंगे तो बचना नहीं चाहिए। एंड नंबर 2, किसी भी हालत में हम सीसीटीवी में दिखाई देने नहीं चाहिए। एंड नंबर 3, जितना हो सके बच्चों के सामने शूट करना अवॉइड करो। लेट्स गो।
Hey, क्यों रो रहे? खामोश। सारे बच्चे सेफ है सर, सिर्फ प्रिंसिपल बाकी है। जी हाँ सर, पूरा स्टाफ भी सेफ है। वेलकम अर्जुन से। सब लोग साइलेंट हो गए, इसीलिए मुझे डाउट हुआ। हमारा कोई भी आदमी जगह से हिल नहीं रहा और तू बाहर नहीं दिखाई दिया, तभी मुझे शक हुआ। मैं जानता हूँ तू अंदर आ चुका है। तुझे लग रहा है कि बच्चे सेफ हो गए है ना, लेकिन कमिश्नर की बेटी मेरे पास है, बहुत ही क्यूट है। यस सर, शी इज स्टडिंग हियर। मैं तेरा वेट कॉन्फ्रेंस रूम में कर रहा हूँ, जल्दी आ जा। मीडिया भी आ गई है, अगर तू ऊपर नहीं आएगा तो मैं डायरेक्टली मीडिया के सामने ही फायरिंग शुरू करूँगा। रिस्क लेना ठीक नहीं है सर, पहले बच्चों को बाहर ले चलते हैं। हम एक बच्चे की भी जान नहीं बचा पाए तो समझो कि ऑपरेशन फेल है। उसका सामना मैं करूंगा। इस गन का साउंड ही तुम्हारे लिए सिग्नल है, इसकी आवाज सुनते ही तमाम बच्चों को बाहर लेकर जाना। ओके सर। हमें पता चला है कि पुलिस ने एक टीम बनाकर
टेररिस्ट पर अटैक किया है। सूत्रों से पता चल रहा है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। बच्चों और स्टाफ को बचा लिया गया है। पुलिस बच्चों को बहुत ही सेफ्टी के साथ बाहर लेकर आ रही है। बच्चों को हम बाहर आते हुए विजुअल्स में भी देख सकते हैं। एक बुरी खबर है, इस ऑपरेशन में एक सीनियर ऑफिसर शहीद हो गए हैं और उनका नाम है इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह। वही इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। अर्जुन सर शहीद हो गए, ये तो आपने बता दिया, लेकिन कैसे शहीद हुए? प्रिंसिपल रूम में क्या हुआ था? अर्जुन के शहीद होने के कुछ दिन बाद शोक सभा का आयोजन किया गया था। पुलिस मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक सिस्टम है। अर्जुन मुझसे हमेशा कहा करते थे, लेकिन आज उस एक व्यक्ति की वजह से पूरा डिपार्टमेंट गर्व महसूस कर रहा है। एक पुलिस ईमानदारी से ड्यूटी करेगा तो क्या हासिल कर सकता है, यह हमें अर्जुन ने दिखाया है। इसी तरह से हर एक पुलिस वाला अगर अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करता है तो वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। वन मिनट। यस। इस सीडी को प्ले कीजिए। चिल्ला चिल्ला कमिनेट, चिल्ला और चिल्ला और चिल्ला चिल्ला। अर्जुन सिंह, मैं कौन हूँ तू नहीं जानता, लेकिन तू कौन है मैं जानता हूँ। मैं हूँ अली। उस दिन भी इसी तरह मैंने बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान किया था, लेकिन तूने आके सब बर्बाद कर दिया। मेरे आदमियों को अंदर डाल दिया, उन्हें बाहर निकाल के फिर से बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा। जिहाद के लिए जान भी दूंगा। Hey, तेरे लिए यही मौका है, मुझे अभी के अभी चांद से मार दे। अगर मैं जिंदा बच निकला तो सिर्फ तुझे ही नहीं, जिहाद नाम के शब्द को इस देश से ही मिटा दूंगा। ठीक है, खत्म कर देता हूँ। बहुत दम है ना तुझ में, तेरी जुबान से एक बार जिहाद सुनना चाहता हूँ। बोल जिहाद, एक बार अपनी जुबान से जिहाद बोल। बोल जिहाद, बोल बोल जिहाद। ये ले, पैंट निकाल इसकी, काट दे। जिहाद बोल, बोल जिहाद, जिहाद बोल। बोल दीजिए सर, बोल दीजिए। अब तो बोलेगा ना जिहाद। बोल जल्दी, बोल। जिहाद बोल, जिहाद बोल। हाँ।
उनको मैं देख नहीं पाया, कम से कम उनकी फोटो तो दिखा दीजिए सर।